शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए। ये मंगला चंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझाता हूँ, बैठिए। ये एक बंजारन लड़की है। किसी चंदर नाम के बदमाश ने इसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसे शहर लाकर बेचने की कोशिश की। इस सिलसिले में इसके हाथों एक मर्डर भी हुआ है। इसकी और आशा की मिलती जुलती शक्ल का फायदा उठाकर मैं उस गिरोह तक पहुंचना चाहता हूं जिसने आशा का कत्ल किया है और मंत्री अश्विनी कुमार को किडनैप किया है। किडनैप किया है? मगर सर, उन्हें तो बम से उड़ा दिया गया था। नहीं, वो जिंदा है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले की एक आंख पत्थर की थी, जबकि मंत्री जी की दोनों आंखें सही है। अब हमें इस बंजारन लड़की की मदद से मुजरिमों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने हैं और मंत्री अश्विनी कुमार का पता लगाना है। नहीं, 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 मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ, मैं कमीना हूँ, मैडम, नहीं, नहीं, प्लीज, नहीं, नहीं मैडम, नहीं, 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 सरजी, सरजी, अरे ये क्या? जी, 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 ये क्या सरजी? कर दिया? ये तो होना ही था। अरे सर जी, ऐसे तो आपकी शान चली जाएगी, आन चली जाएगी, जान चली जाएगी। ये, अरे ये तो होना ही था, आपको आना ही था। मैडम जी, आप इस थाने की शान है, आन है, जान है। पहले अपनी शान ठीक कर क्या, चल फट। पागल कहीं का। देखिए, मैं इंस्पेक्टर अमर बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी इंस्पेक्टर आशा से मेरी बात कराइए प्लीज। मैडम, आपके पतिदेव का फोन। अब क्या है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हाँ हाँ, नहीं करनी। मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, तुम्हें बेटा दिया, और तुमने, तुमने बदले में मुझे क्या दिया? हाँ, ये रोज़ के ताने। तुम शक करते हो मुझ पे, तुम्हारा जी भर गया है, तो तलाक ले लो। क्या हुआ मैडम? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं आपके लिए एनासिल लेकर आता हूँ। बर्बाद होगी मैडम। संभलिए मैडम। नशे के लटके झटके दिखाकर तू माने को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। मैं जानता हूँ तू इंस्पेक्टर आशा नहीं, नौटंकी वाली है। आज तेरे नाटक का आखिरी सीन होगा। डाल दे इसके कपड़े। क्या कहा था तूने? सारे थानों के तवों पर रोटियां सेकने का ठेका मैंने ले रखा है।
तो क्या सारे गद्दारों के तलवे चाटे का ठेका तूने ले रखा है? आराम साधे, तेरी पुलिस की नौकरी गई। बता, आशा की मौत का जिम्मेदार कौन है? आज तो मैं तुझसे सच उगलवा कर आऊंगा। बता आराम साधे, बता। नहीं मारना नहीं, मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ अभी। तुम हमको कहाँ ले आए बाबूजी? ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? पहले तुम हमको हमारे डेरे पे छोड़ दो। सुनो, छोड़ दूंगा, पहले माजे से तो मिल लो। आओ। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मी कहाँ थी तुम? सनी बेटे, आपकी मम्मी बहुत थकी हुई है, उन्हें आराम करने दो। तुम चलो मेरे साथ, आओ। मंगला, सनी तुम्हें अपनी माँ समझ रहा है, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसकी माँ नहीं हो। आओ तुम्हें छोड़कर आता हूँ। एक दो तीन। क्यों गिनती की खड़खड़ी कर रहा है? अरे भैया, चार पांच, यानी माने और जयचंद की तो पार्टी हो गई। एक दो तीन बचे, अब हम में से किसकी पार्टी? जयचंद और माने को आशा के सिवा और कोई नहीं मार सकता। भैया आशा नहीं, भूतनी। अरे तुम दोनों के दिमाग की तो खाट खड़ी हो गई है। ये चंदर है, इसे पहचानते हो? ये तो मंगला की तस्वीर है। क्या बकते हो, ये तो इंस्पेक्टर आशा है। हाँ, नहीं साहब, ये तो मंगला बंजारन की ही है। शादी का बहाना बनाकर मैं उसे बेचने के लिए शहर लाया था। कोई मुझे हाथ लगा के तो देखे, बोटी बोटी नोच के रखूंगी। आज तक कोई बुलबुल मेरे पंजे से बच के नहीं निकली। मैं मेरा एक एक रुपया तेरे खूबसूरत जिस्म से वसूल करूंगा। अब तेरी सारी जवानी जेल की चक्की में पिस जाएगी। जाओ उसे पकड़ लो। अच्छा सरकार, धोखा, हम शरीफ लोगों के साथ इतनी बड़ी पॉलिटिक्स, मैं पार्लियामेंट में ये सवाल उठाऊंगा। चुप बे बरसाती मेंढक। एक बार मंगला हमारे कब्जे में आ जाए, फिर देखना कि मैं कैसे सबकी खाट खड़ी करता हूं।